वृंदावन है उधो गोपियों से जाकर तुम मिलना कहना कान्हा ने भेजा है सुध उनकी जरा ले कर आना जाओ जाओ वृंदावन ए उधो कि उन्हें समझाना कि अब मुझको ना याद करे एक छलिया के लिए बात न बर्बाद करे एक छलिया के लिए बात मोहब्बत न सा है ये कैसी सजा है दिल के धड़कने का भी अपना मजा है दिल के तड़पने का भी अपना मजा है जय हिंद। आप देख रहे हैं ताकीकात न्यूज, मेरा नाम अभिषेक और आज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे होनहार नवयुवक से मिलवाने वाले हैं जो पेशे से तो एक टीचर है बट कहीं ना कहीं वो खुद का एक इंस्टीट्यूशन है क्योंकि वो एक सिर्फ टीचर ही नहीं है, उनके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स हैं जैसे कि फ्री एजुकेशन देना, सिंगिंग करना, साथ साथ कई सारे फिल्मों में काम करना। तो आइए देरी ना करते हुए प्रेजेंटिंग मिस्टर विवेक पांडे। पांडे जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम आप सभी तहकीकात के उसके सभी श्रोताओं को। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आपसे मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय हमारे तहकीकात न्यूज के दर्शकों को दे दीजिए। जी मेरा नाम विवेक पांडे है और मैं पेशे से एज ए कंप्यूटर ट्रेनर हूँ और कंप्यूटर जंक्शन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का एक ऑनर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ और आज मैं हजारों युवकों को आज कंप्यूटर ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मैं इनके बारे में थोड़ा सा आप सभी को बता दूं दोस्तों कि ये कंप्यूटर जंक्शन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर हैं और ये बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए कंप्यूटर की शिक्षा, डिजिटल मार्केटिंग की शिक्षा प्रोवाइड करते हैं अपने ही शहर झांगा बाजार से और गरीब से गरीब बच्चों को भी ये एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं बहुत ही नॉमिनल प्राइस में या फिर ना के बराबर में। तो इसके लिए मैं पांडे जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप एक सामाजिक और नेक काम इस समाज के लिए कर रहे हैं। जी ये बड़ा बहुत ही पहले से मेरा ये मोटो रहा क्योंकि मैं जब पढ़ाई करता था उस दौरान मैं देखा कि कंप्यूटर के लिए, चूँकि मैं कंप्यूटर जिस तरीके से सीखा हूँ, जिस तरह मैं परेशानी सहा हूँ, मैं जानता हूँ उस चीज़ को, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे आने वाली युवा पीढ़ी है इन परेशानियों को फेस ना करना पड़े और बड़ी नॉमिनल फीस में, बहुत ही मिनिमम फीस में बच्चे कंप्यूटर कोर्सेज सीखकर अपने आप को डिजिटलाइजेशन बना सके, अपने साथ ही साथ अपने कैरियर को बेस्ट बना सके, अपने फ्यूचर को एक उज्ज्वल फ्यूचर बना सके। बिल्कुल। चलिए ये तो इनकी स्पेशलाइजेशन थी जिनमें आपको बताया जो डेली जीवन में करते हैं, टीचिंग का काम करते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको इनका टीचिंग लाइफ बताने के लिए नहीं आए हैं, इनका टैलेंट दिखाने के लिए आए हैं। ये बहुत ही अच्छा सिंगिंग करते हैं, बहुत अच्छा डांसिंग करते हैं, बहुत ही अच्छा फिल्म में एक्टिंग भी करते हैं। ये एक्टर भी हैं, डांसर भी हैं, सिंगर भी हैं। तो आज शुरुआत कैसे करेंगे आप, किससे, डांसिंग करके, सिंगिंग करके या फिर एक्टिंग करके? एक्चुअली मैं कोई प्रोफेशनल कलाकार नहीं हूं, एक पैशन है मेरा, पैशन को भी प्रोफेशन में नहीं बदला हूं और बस ऐसी सुनते सुनते याद मुझे गा लेता हूँ। मुझे नहीं लगता मैं अच्छा गा लेता हूँ लेकिन ऐसा लोग कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा गा लेता हूँ। नहीं मैं पर्सनली बोल रहा हूँ बहुत अच्छा आप गाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप, हाँ आपका ये मंच है, आपका ये चैनल है और आपके दर्शक हैं, आप गाना गाएं और इस तरह गाना गाएं कि लोगों के दिल पे छू जाए। जी बिल्कुल, थोड़ा सा मैं गुनगुनाऊंगा, ज़्यादा कुछ नहीं। जी तो सबसे पहले मैं इसकी शुरुआत एक भजन से करना चाहूँगा। जी कि जाओ जाओ वृंदावन है उधो, जाओ जाओ वृंदावन है उधो गोपियों से जाकर तुम मिलना कहना कान्हा ने भेजा है सुध उनकी जरा ले कर आना जाओ जाओ वृंदावन ए उधो कि उन्हें समझाना कि अब मुझको ना याद करे एक छलिया के लिए बात
ना बर्बाद करे एक छलिया के लिए वक्त ना बर्बाद करे फिर वो क्या कहती है उनकी सुध उनकी जरा ले कर आना। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत अच्छा गाना गाया इन्होंने, बहुत ही अच्छा खूबसूरत भजन गाया इन्होंने। पांडे जी इस समय आपको नवयुवक भी देख रहे हैं तो कुछ नवयुवकों के लिए भी गुनगुनाना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। मौसम कुछ बॉलीवुड सॉन्ग? हाँ बिल्कुल, मौसम सॉन्ग मुझे याद है, मुझे याद है आपकी बातों से मुझे अब याद आ गया। जी जी। मैं जान ये वार दूं हर जीत भी हार दूं कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दूं सारी हदे मेरी अब मैंने तोड़ दी बन कर गए यूं खुदा आवारगी बन गए हाँ हंसी बन गए हाँ नमी बन गए तुम मेरे खुदा आवारगी बन गए हो इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई टूट के बाजुओं में बिखरने लगे आपके प्यार में हम सवरने लगे चांद मेरा नाराज है ना बात करे ना मिलता है कैसे उसको समझाऊं ना समझे रिश्ता दिल का है हफ्तों से उसने मुझसे ना बात की उसको पता भी नहीं किस बात की नाराजगी ना सुबह में ना सुबह में ना शाम ढले वो मिलता है कैसे उसको समझाऊं ना समझे रिश्ता दिल का है मोहब्बत नशा है ये कैसी सजा है दिल के धड़कने का भी अपना मजा है सोचा नहीं था जो भी हुआ है मोहब्बत नशा है ये कैसी सजा है दिल के तड़पने का भी अपना मजा है मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से तेरी मोहब्बत से सांसें मिली हैं सदा रहना दिल में करीब हो के सदा ही रहना तुम मेरे करीब हो के चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से खुदा भी जब तुम्हें
मेरे पास देखता होगा कि कितनी अनमोल चीज दे दी, कैसे सोचता होगा कि आसमां को फिर जमी से इतनी मोहब्बत हो, वफा पहली हो जमी पर चाहतों की रंगत हो, कि झील से पानी में अश्क भी बहता हो, वफा पहली हो जमी पर चाहतों की रंगत हो। खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया गाना इन्होंने प्रस्तुत किया। जितने भी नवयुवक इस समय देख रहे हैं, इस गाना को सुन रहे हैं, प्लीज निवेदन है कि इनके वॉइस के लिए, इनकी इस प्रस्तुति के लिए लाइक जरूर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक से फॉलो जरूर करिए। गानों का सिलसिला आगे जारी रहेगा, इनके टैलेंट को हम दिखाते रहेंगे। हालांकि मैंने शुरू में ही आप सभी से बोला कि ये इंस्टीट्यूट नहीं, इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी कलाकारियां छुपी हुई है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा चाहूंगा विवेक पांडे जी, आप थोड़ा सा दर्शकों को अपने बारे में और डिटेल में बताएं, आपके परिवार के बारे में और किस तरह से आपका जीवन यापन होता है। क्या आपने गानों के लिए कैसे ट्रेनिंग लिया, कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया, या कैसे आप इस तरह से इतना बढ़िया गा ले रहे हैं? जैसे मैंने पहले ही कहा कि मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूं, और ऐसे वक्त मैं कहीं से सीखा भी नहीं हूँ, कैसे ट्रेनिंग नहीं लिया मैंने, ऐसे ही सुन सुन के लिया। हाँ, एक बार मैं मूवी में काम कर रहा था। अच्छा, एक मेरी मूवी आई थी आखिरी सांस तक। अच्छा, जिसमें गाना आया था, आप लोगों ने सुना भी होगा, तुम्हारा किया कि काजल जान लेगा, वो हमारी मूवी गाना थी। लेकिन कुछ कारणवश से वो मूवी रिलीज नहीं हो पाई थी, अभी पोस्टपोन पड़ा हुआ है, जल्दी हो सकता है अगर हमारे डायरेक्टर और हमारे प्रोड्यूसर चाहेंगे तो मूवी रिलीज होगी। बिल्कुल बिल्कुल। परंतु कुछ हमारे जो प्रोड्यूसर थे उनके कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए वो मूवी थोड़ी सी रुक चुकी है, पेंडिंग में पड़ी हुई है। राइट, जैसा मैंने पहले ही बताया कि पांडे जी जो है कलाकार आदमी है, फिल्मों में भी काम कर चुके हैं और बहुत सारे इनके अंदर कलाकारियां छुपी हुई है, बहुत सारे इनके अंदर टैलेंट छुपा हुआ है, सिलसिला जारी रहेगा। पांडे जी, अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा, अपने फैमिली के बारे में बताएं। मैं एक बड़ी बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का हूं, और जीवन जो है हमारा बहुत ही संघर्षफुल रहा। अच्छा, बहुत स्ट्रगलफुल रहा। जब मैं बहुत छोटा था, करीबन मैं क्लास फोर्थ में पढ़ रहा था, फोर्थ में, तभी से मैंने, मेरा जो रुझान है, मैं बहुत, मेरा सपना था कि मैं एक अच्छा सिंगर बनूंगा, और मैं उस टाइम ट्रेनिंग कर, मैं अपने आप में प्रैक्टिस करता था, लेकिन एक सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाया कह सकते हैं, या सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, जिसके वजह से मेरे जो टैलेंटेड था वो दबा रह गया। फिर मेरे रुझान कंप्यूटर डिजिटलाइजेशन में मेरा आगे बढ़ा, और मैं छोटे से एक कोचिंग सेंटर में 2 महीने का क्लास मैंने करा, और इसके बाद एक मेरी दुकान, एक सर है हमारे योगेंद्र सर, उनका जीवन में बड़ा मेरा योगदान रहा, मेरे जीवन में, अगर कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे हूँ तो ये मेरे योगेंद्र जो सर हैं बेलवा के हैं, उनका बहुत योगदान रहा। उन्होंने मुझे अपने दुकान पे, उन्होंने एज एक ट्रेनर रखा, मतलब कि मैं उनकी दुकान पे काम करा, बहुत ही काफ़ी सपोर्ट करते थे। अच्छा। हालांकि जिस दुकान में मैं काम करता था वहाँ मुझे बड़ा प्रताड़ित और परेशान किया जाता था, लेकिन उनका समर्थन रहा, सपोर्ट रहा, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, यहाँ तक कि मैं कहना चाहूँगा इस कैमरे के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, कि उन्होंने मुझे 12th तक की जो पढ़ाई है, जो पूरी फीस थी, उन्होंने ही भरा था। अच्छा अच्छा, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, सैल्यूट है सर आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो एजुकेशन आपने प्राप्त किया, कि 10वीं 12वीं के बाद क्या आपने और कोई एजुकेशन प्राप्त किया, कि बस एजुकेशन लेने के बाद, 10वीं 12वीं की एजुकेशन लेने के बाद ट्रेनिंग लेकर के सीधे कंप्यूटर कोर्स में घुस गए, कंप्यूटर पढ़ाने लगे, या फिर कोई और भी कोर्सेज आपने किया है डिजिटल जमाने में, कंप्यूटर जमाने में? इसके बाद मैंने, जब मैं 12th पास कर दिया, तो फिर मैं नोएडा आर्मी में रक्षपाल बहादुर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन से मैंने BCA करा, साथ ही साथ मैं डबल ग्रेजुएशन हूँ, बता दूँ आपको कि मैं BCOM भी कर रहा हूँ और BCA भी हूँ मैं। अच्छा अच्छा जी। एक्चुअली मेरा कॉमर्स क्षेत्र में मेरा रुझान था पहले, तो मैंने इसलिए BCOM कर लिया, फिर मुझे लगा कि BCA करना चाहिए, तो मैंने BCA भी करा, मेरे पास डबल ग्रेजुएशन है। मतलब तमाम सारे कोर्स सर्टिफिकेशन लेकर के, ट्रेनिंग लेकर के आपने इंस्टीट्यूट डाला, साथ ही साथ, और आज आप इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं? जी, इंस्टीट्यूशन में चला। इंस्टीट्यूशन जो चला रहे हैं, क्या सिर्फ वो अमीर बच्चों को पढ़ाते हैं, या फिर गरीब बच्चों को, मध्यम वर्ग के बच्चों को पढ़ाते हैं, कैसे क्या करते हैं? एक्चुअली मैं बता दूँ कि जो मेरा
कंप्यूटर जंक्शन शूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका एक मात्र उद्देश्य ही रहा कि मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों को बहुत नॉमिनल फीस में एजुकेशन को देना। बहुत बड़ी बात बोला पांडे जी ने कि बहुत ही नॉमिनल फीस या फिर नाक के प्राइस में बच्चों को एजुकेशन देते हैं, कंप्यूटर सिखाते हैं, डिजिटल कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई बच्चा आपको देख रहा है इस समय और उसकी रुझान है कि वो सिंगर बने, तो आपसे कैसे कॉन्टेक्ट कर सकता है? क्या आप उसको कुछ सिखा पाएंगे, कुछ मार्गदर्शन दे पाएंगे? जी बिल्कुल, मैं उसको दे पाऊंगा। और कोई अगर हमारे साथी कोई नवयुवक आपको देख रहा है और उसका रुझान कंप्यूटर में है, डिजिटल में है, तो क्या आप उसको किस प्रकार से मदद कर पाएंगे? बिल्कुल, वो चाहे तो ऑनलाइन कोर्सेज भी मेरा ज्वाइन कर, दूर से देख रहा है मुझे तो वो ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकता है। अगर नियर बाई के आपके हैं तो? जी अगर नियर बाई है तो मेरे डेस्टिनेशन यानी कि कंप्यूटर जंक्शन का जो हमारा कोचिंग सेंटर है वो सेंटर विजिट कर सकता है। मेरे हेड ऑफिस जो झांगा बाजार हाटा कुशीनगर में संचालित होती है वहाँ पे वो कॉन्टेक्ट कर सकता है और जो भी कोर्सेज उसकी जानकारी ले सकता है, और चाहे तो दिए हुए नंबर पे भी हमें कॉल करके जानकारी ले सकता है। जी बहुत बड़ी बात है, कोई भी अगर बच्चा इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना चाहता है, कंप्यूटर का कोर्स करना चाहता है, तो पांडे से कांटेक्ट कर सकता है, फिर नंबर चल रहा है उस पर कॉन्टेक्ट कर सकता है। आइए हम आप सभी को लेकर चलते हैं मनोरंजन के क्षेत्र में, जहां पे पांडे जी को टैलेंट को हम आपको दिखा रहे हैं। पांडे जी फिर से आपका मंच है और आप कुछ ऐसे गाना को गुनगुनाइए जिसको सुन करके एक बार फिर से माइंड रिफ्रेशमेंट सा हो जाए। जी किरलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन किरलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन कि जवन ही रेलिया से पिया मोरा जई हैं, कि जवन ही रेलिया से पिया मोरा जई हैं, राजा मोरा जई हैं, हो सैया मोरा जई हैं, कि जवन ही रेलिया से पिया मोरा जई हैं, कि बरसे हो पानी टिकट गल जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन। जी थैंक यू, बहुत बढ़िया बहुत। और कोई गाना पांडे जी? जी बिल्कुल, और भी गाने हैं मेरे पास। भोजपुरी में एक गाना है कि कि मन के सवरिया बन गई ला तू, चुपके से का कैला तू, कि नस नस में तू गईला समाय, कि नस नस में तू गईला समाय, डाली गला पर सानी में गजब के रोग धरा दिहला, हे राजा हमके जवानी में गजब के रोग धरा दिहला, हे राजा हमके जवानी में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया पांडे। और कोई गाना पांडे जी प्रस्तुत करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, कि कॉलेज में जब मैं पढ़ता था व्यास, वो उन दिनों की कहानी है, मेरे याद में आज भी रोती है, एक ऐसी पगली दीवानी है, मेरे याद में आज भी रोती है, एक ऐसी पगली दीवानी है। वाह वाह बहुत बढ़िया। अच्छा कि दारू पी के राजा रोज आवे लराती के आयो, कि खटिया हिला दे रोज तू खाटी के, तो मोहन करे मर जाई खई के महूरवा, कि हाथ घोड़ी रोज पड़े बड़का तो खाटी के, तो कम करना रे पिया कम करना हो, कि कम करना रे पिया कि कम करना, रोज पिया ताड़ा बिस्किया रम
कि रोज पिया तारा बिस किया राम पियल का तनी कम करना रोज पिया तारा बिस किया राम पियल का तनी कम करना कि को कबेर खैल तू तो नन्हका के क्रिया फिर तब नहीं बाटे राजा तोहरो फिक्रिया कि को कबीर खैल तू तो नन्हका के क्रिया कि तब नहीं बाटे राजा तोहरो फिक्रिया कि कम करना रे पिया कि कम करना रोज पिया तड़ बिस किया राम पियल का तनी कम करना रोज पिया तड़ बिस किया राम पियल का तनी कम करना। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और सभी दर्शकों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको आज इस भाई साहब की, इस पांडे जी की प्रस्तुति, पांडे जी का गाना अच्छा लगा तो कमेंट में इस इनके और भी वीडियोस बनाने के लिए, इनके और भी टैलेंट को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, तो मैं ऐसे और भी वीडियोस आप सभी के सामने लेके आऊँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारी न्यूज और दुनिया की सभी न्यूज ऐसे लोगों के साथ खड़ी है, ऐसे लोगों को आगे प्रमोट करने के लिए खड़ी है। तो कोई भी ऐसा लड़का आपके ग्राम सभा में, कोई भी ऐसा लड़का आपके समाज में है जो कहीं ना कहीं टैलेंटेड है, कहीं ना कहीं उसके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन सही लोग, सही मार्ग और सही पथ नहीं मिलने की वजह से, डिजिटल मीडिया का सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से वो धरातल पर, जमीनी स्तर पर पड़ा हुआ है, उसको आगे बढ़ाने के लिए आप भी एक कदम आइए, दिए गए नंबर पर फ़ोन करिए, हम आ करके उस बच्चे के टैलेंट को आप सभी के सामने प्रस्तुत कराएंगे, दिखाएंगे, ताकि उस बच्चे का नाम हो और वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।